17 जून 2022 को शहीद हुए सूबेदार भगवान सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। जी आपको बता दें, खबर है अंबेडकर नगर से, जहां 17 जून यानी सोमवार को थाना क्षेत्र राजे सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम पोखर भीटा के रहने वाले शहीद भगवान सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। बता दें कि 17 जुलाई 2023 को राष्ट्र सेवा करते हुए वो शहीद हो गए थे, जिसकी पुण्यतिथि सोमवार को मनाई गई। इस पुण्यतिथि के अवसर पर सभी दलों के नेता और समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक त्रिभुवन दत्त भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक साल पहले क्षेत्र के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन कोई भी कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ना होते हुए भी शहीद भगवान सिंह का गेट बनवाया गया, जिसका उद्घाटन आज यानी 17 जून को किया गया। उन्होंने आगे कहा कि भगवान सिंह के नाम पर एक पार्क भी बनवाया जाएगा। इस मौके पर सत्ता पक्ष के लोग भी उपस्थित रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अंबेडकर नगर से संवाददाता राजकुमार मौर्य की रिपोर्ट। कर भुट्टा निवासी भगवान सिंह जी शहीद हो गए थे, तो उनके स्मृति में एक गेट बनवाने का हमने वादा किया था, जो बन गया था। उसका आज उनकी पहली पुण्यतिथि थी, तो पुण्यतिथि पर उस स्मृति द्वार का, भगवान सिंह स्मृति द्वार का उद्घाटन समारोह भी रखा गया था और उनके पुण्यतिथि में शामिल भी हुए थे। लेकिन मैंने मौके पर जाकर देखा कि उस समय जब ये शहीद हुए थे तो उनकी यात्रा में बहुत लोग शामिल हुए थे और बहुत तरह तरह के सत्ता पक्ष के लोगों ने भी वादा करने का काम किया था। लेकिन जब आज मैं आया तो देखा एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और मैं क्या, वहाँ जितने जनता और जनमानस के लोग जुटे थे, सभी गणमान्य लोगों ने ये अपने मुंह से बात कही कि यहाँ जितने लोग आए थे, जितने प्रकार के वादे किए, एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किए थे। लेकिन आपने गेट बनवाने का वादा किया था उनके सम्मान में, वो बनकर तैयार हो गया। इसलिए आपसे हमारी एक आशा और बढ़ गई है कि उनके सम्मान में इनके गांव में एक पार्क बन जाए और उनकी एक मूर्ति लग जाए, तो जिसको मैंने आश्वासन दिया है। और निश्चित तौर से ऐसे अमर शहीदों के सम्मान में हमें अगर कुछ करने का अवसर मिलता है तो बहुत ही पूर्ण का स्थान हमें मिलता है। तो निश्चित तौर से मैंने वहाँ के क्षेत्रीय जनता, उनके परिवार, उनके माता पिता और उनके जानने पहचानने वाले लोगों को वो ये भरोसा दिलाया है कि आप ज़मीन उपलब्ध करा दीजिए, जल्द ही विधायक निधि से एक पार्क और उनकी प्रतिमा भी लगाने का काम किया जाएगा।